नीतीश जी खराब हो गए तो अलग हो गया, फिर नीतीश जी ठीक हो गए फिर साथ आ गया, फिर खराब हो गए फिर अलग आ गया। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि जे आदमी इतना पलटी मारता है वो आदमी ठीक नहीं है, वह खराब है। नीतीश जी कभी लालू जी का विरोध करते थे, घोर विरोधी थे, और लालू जी के जंगल राज से तंग आकर के बिहार के आम जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया था और नीतीश कुमार को वोट देकर के गद्दी पर बैठाने का काम किया था। लेकिन यही नीतीश कुमार पलटी मार मार के जब वोट मिलता है तो चले जाते हैं वही पक्ष में। अब जनता भी बड़ा ठगा अपने आप को महसूस कर रही है, कोनो उसको नेता नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई जेल नेता आंदोलन करने वाला उसको तो गरीब है, ओकरा एक पैसा कहाँ से आएगा, हजारों करोड़ चुनाव में खर्चा होता है, कहाँ से लगा उतना। आ एकरा सके तो लूट करके धैले है, गुंडा मामाली अपराधी माफिया जितना है सब एकरे सके पार्टी में है। आप नजर उठा के देखिए, जे जितना बड़ा गुंडा मामाली अपराधी माफिया होगा वो उतना ज्यादा वोट से चुनाव जीतता है। तो ऐसा के लोग सब है तो सब जाति में सबको लड़ाएगा फिर विधायक बन जाएगा। हम लोग जागरूक करने आए हैं ना, अब धीरे धीरे समय तो लगबे करेगा, चूंकि पहले से जो यह फिल्म पिया पिया दिया है सबको तो सबके तो उसका आदि हो गया है। क्या कहेंगे उन लोगों के जो जात पात के नाम पर? अरे भाई जात के नाम पर बिकता है तो उसे पूछो कि तू मंत्री था, तू हमार जात के नेता है। अगर रामविलास जी के बेटा आता था तो पूछो कि तोहर पापा जी मंत्री रहते न हमेशा जीवन भर ठेकेदारी रही कि तो मंत्री सरकार केकरो बनते मंत्री एगो तू रही है। तो मंत्री रही है तो रामविलास पासवान जी कई गो महादलित दलित बस्ती में बनिया एगो स्वास्थ्य केंद्र आ बनिया स्कूल खोलवा दिए हैं कि रे भाई से हमर जात के लोग हमर सके वोट देवे लो, एक कर बेटा कम से कम पढ़ते ही आ ये घर में जे हमर चाचा है जे भैया है एक कर सके इलाज बढ़िया अस्पताल में हो जाते। इतना ओका से पूछ लिया कि इतना तू कैले बारा, अगर कैले होते तो तू वोट दिया हुआ, न कैले होते तो फिर तू की करे का तू सोच लिया। लालू जी के बेटवा आगे तो इतने बात पूछ लेना है कि पापा तो इतना चीज कहला थून तू न कहला, आ तू कहला कि अब तो 10 लाख लोग के रोजगार देव, रोजगार गेले के ने रोजगारवा तो बताबो हमरा तब तब जाकर के वोट देव। आ जात के जब बात करे छे तो ब्याह करे के रहो तो भाग गेला, बाद में दिल्ली जाके भाग गेला है। अपना ई बिहार में कोनो यादव के बेटी न रही है जेकरा से लालू जी के बेटा के शादी हो सकत रही है? लालू जी यादव के नेता है, यादव को कहते हैं कि अरे तुम्हारा हम नेता है तुम्हारे लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, कह गो यादव के भला कर दिए हैं? अगर यादव के लड़का सके पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिए रहते तो कम से कम एक जाति के लोग तो आगे बढ़ गया रहता। बिल्कुल रामविलास जी वही काम किए, सारा पासवान को कहे दलित को कहे एक हो जाओ हम तुम्हारा नेता है, लेकिन अगर बेटा के शादी करना होगा लालू जी के तो जाके दूसरा से किए हैं, रामविलास के अपना शादी करना था तो जाकर के दूसरा कास्ट में किए हैं। उस अपने जाति के वोट के अलावा उसमें शादी नहीं कर सकते हैं बेटा के, वो आदमी अपने जात का क्या भला करेगा? अपने जात को नहीं मानता है वो लोग, केवल राजनीति करना है वोट लेना है तो यादव है पासवान है कुशवाहा है, लेकिन शादी करना होगा कल्याण करना होगा बढ़िया स्कूल खोलना होगा बढ़िया स्कूल में अपन अपना लड़का के पढ़ाना होगा तो उसके लिए अपन लड़का ऊपर से लंदन पेरिस जाएगा, आ गरीब का लड़का वह सरकारी स्कूल में जाएगा खिचड़ी खा के आएगा। कृषि पेंशन योजना जो लागू हुआ है लोगों को कृषि के रूप पेंशन मिलता है वो अभी लड़ाई हमने लड़ा है, नशा मुक्त बिहार का निर्माण हो इसके लिए हम लोग 2014 से 2015 तक रेगुलर 48 दिन तक लगभग 400 सभा किए थे, तब जाके मुजफ्फरपुर के पताही में सुने होइया कि पहले बार महिला से दारू के भट्टी तोड़ उड़ के आग लगा दिया था। आ धीरे धीरे वहां से शुरुआत हुआ तब नीतीश कुमार के लगा कि ना दारू बंद करना होगा ना तो जनता अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार तो वो आदमी है जो सत्ता में आया तो लालू जी के राज में कहीं कहीं दारू का दुकान होता था और नीतीश कुमार हल गली चौक चौराहा टोला मोहल्ला तक दारू के दुकान खोलवाने का काम किया, इतना प्रेशर दारू बढ़ा सके देता था कि उसे परचुनिया तक के गांव में तक पहुंचाता था। तो ये आदमी कहां से भलाई चाहेगा, इधर खुद गजरी आदमी अब किए थे। आप लोग तो मीडिया वाले है, प्रेस में आता था कि हम भी ले लेते थे पहले, अब कहते होंगे लेकिन कहते नहीं है। अच्छा अभी आप यहाँ समाहरणालय में आए थे, डीएम साहब से मिले, क्या कुछ आपका ये था? जिला अधिकारी महोदय गार्जियन के रूप में है और जिले के भी गार्जियन है, तो एक हमारी उम्मीद थी कि चलिए इनसे मुलाकात करते हैं, तो जो जन समस्या हमारे तरियानी का हमारे बेलसंड विधानसभा का है जो हमारे शिवहर क्षेत्र में पड़ता है उसका समाधान हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने मुलाकात किया। बहुत अच्छा लगा है कि ऐसे योग्य और अनुभवी लोग हमारे जिला के और नर्म लोग हमारे जिला के जिलाधिकारी के रूप में है, जिनसे पूरे शिवहर जिला के आम जनता को जो उम्मीद है, अगर हमको लगता है कि लोग आकर के मुलाकात करता है तो जरूर उसका काम होगा। हम लोगों ने जो मांगे रखी है तो सर एक आश्वासन दिया है कि हम लोग रिसीविंग नहीं देते हैं, हम लोग कामें कर देते हैं कि रिसीविंग की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या क्या मांग था थोड़ा सा बताइएगा? मांग किए हैं कि हमारे तरियानी से लेकर बेलसंड के बीच में एक पथ है, वह छपरा और मारर के बीच में आरसीसी पुल था जो बाढ़ के कारण दहा गया,
और बाढ़ में दहाने के कारण बहुत बड़ा एक नदी का रूप ले लिया हुआ है, लगभग हमको लगता है 200 फीट गड्ढा होगा, लेकिन किसी मतलब ये कामचोर मंत्री और सांसद है यहाँ के जो विधायक हमारे बेलसंड का ही संजय गुप्ता, एकरा कहियो ध्यान में नहीं आया कि भाई बेलसंड के लोग तरियानी और तरियानी के लोग बेलसंड जाएगा कैसे, हम तो कैसे वो चल जाएंगे, लेकिन जे गरीब हमारा चुन के भेजले है वो कैसे जाएगा। इसके लिए न रामा देवी को समझ में आया, वोट लेना होगा तो एकरा से सब लोग सब जगह लगता है, काम कराना होगा तो कोई जगह इस सबको नहीं दिखता है। आज बरसों से वह गड्ढा पड़ा हुआ है, उस पर एक ट्रेलर एकरा से माटी गिरवाल पार नहीं लगा है, रोड बनवाने की तो बात दूर है। उसके बाद शहीद जो स्मारक है हमारे, शहीद 11 लोग हमारे छपरा में शहीद हुए थे तरियानी में, दिखाते हैं आपको कि जो आप लोग देखते होइएगा कि हाँ वो एक आदमी झंडा लेके आगे है, पीछे कई आदमी शहीद है, तो और कहीं का नहीं है, ये हमारे तरियानी का है, छपरा गांव का है। लेकिन इन शहीदों के सम्मान के लिए किसी भी विधायक किसी भी सांसद का आंख नहीं दिखा लगा कि हाँ इस गांव में जाते हैं, यह गांव हमको वोट करके विधायक और सांसद बनाती है, और इस गांव में शहीद हुए थे, और जिन शहीदों के शहादत के बाद इस देश को आज़ादी मिली, उन लोगों को भी सम्मान देने का हम लोग काम करें। तो हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय से मांग किया है कि इस शहीद स्थल को डेवलप किया जाए, और ताकि उन लोगों को सम्मान मिले, उन लोगों के परिजनों को परिवार को भी लगे, हमारे आने वाले पीढ़ी को लगे कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दिया था, और इन जैसे बलिदानियों के बलिदान के ही नतीजा है कि हमारा देश आज आज़ाद है। अच्छा, क्या मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बेलसंड विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना तो नेता का समझिए जन्मसिद्ध अधिकार है, चूंकि चुनाव नहीं लड़ेगा तो रोड पर तो लड़ाई लड़ते रह जाइएगा, कोनो सुनने वाला नहीं होता है, जा करके कान के जरी में बजाना होगा तब जाके समझ में आता है। कुंभकर्ण कैसे सुतल था, कतेक चीज से नहीं जगा, तो कान के बगल में जाके बजा दिया कस के, तब एक बार उठा के की बात है भाई, तो सही बात की तरफ। तो एकरा सके तो एसी में बैठे के आदत हो गया है, खाली गणित मिलावत रहेगा कि चुनाव आ गेल हऊ, अब लोकसभा के चुनाव आएगा तो मोदी जी सोचेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम के लड़ा कैसे हुआ, ऐसा लड़ेगा तब जाके हिंदू सब पोलराइज होगा, एक तरफ होगा तो हम सब के सीट आएगा तो चुनाव जीतेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा तो नीतीश जी अगरा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित करेंगे, और वो में जो नेता सा होगा वो कहेगा कि नरे भाई हम जात के नेता आती, नीतीश भाई गड़बड़ आदमी का वोट न दिए, ये उपेंद्र कुशवाहा देख रहे हैं।